तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्री फायर मैक्स में डेली अपडेट प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स पता है कि फ्री फायर मैक्स में डेली आपको 103 एमबी का अपडेट देखने को मिलता है। ये जो अपडेट है आपको प्रतिदिन गेम के अंदर आता है जब आप दिन भर में पहली बार गेम को ओपन करते हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर गेम के अंदर प्रतिदिन अपडेट क्यों आ रहा है, एंड बाद में आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो लोग भी सैमसंग का फ़ोन यूज करते हैं, जो लोग सैमसंग के फ़ोन में फ्री फायर मैक्स खेलते हैं, जिनके सैमसंग के फ़ोन में फ्री फायर में डेली अपडेट आ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका रियलमी या ओप्पो या किसी और कंपनी का फ़ोन है, अगर आपके मोबाइल में भी कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है डेली अपडेट का, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वीडियो को चेक कर लेना। उसके बाद आपका जो डेली अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ सैमसंग के फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। जो लोग भी सैमसंग के फ़ोन में फ्री फायर मैक्स खेलते हैं, जिनको डेली अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको मैं प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप लोग डेली अपडेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गेम के अंदर डेली अपडेट क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, सैमसंग के फोन में होता क्या है कि जो भी आपके मोबाइल के अंदर अननेसेसरी डाटा रहता है वो ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है। चाहे अपने फोन को क्लीन करो या ना करो, फिर भी आपके मोबाइल के अंदर अननेसेसरी डाटा डिलीट होता रहता है। होता क्या है कि जब आप फ्री फायर मैक्स को अपडेट करते हो तो उसका एक डाटा फाइल बन जाता है जो कि फ़ोन की नज़र में अननेसेसरी डाटा रहता है। सैमसंग के फ़ोन में एक सिस्टम क्या है कि उसमें एक सेटिंग इनेबल रहता है, जिसके बाद आपका जो भी मोबाइल के अंदर अननेसेसरी डाटा रहता है वो डेली डिलीट हो जाता है, जिसके बाद आपको फ्री फायर मैक्स में डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आप वो वाले सेटिंग को ऑफ कर देते हो, उसके बाद आपका जो भी अननेसेसरी डाटा है जो आप फ्री फायर मैक्स को जो आप डेली अपडेट करते हो उसका एक डाटा फाइल बन जाता है। ये सेटिंग को ऑफ करने के बाद ये जो डाटा फाइल है आपका डिलीट नहीं होगा, ना ही आपको गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग डेली अपडेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर देने के बाद अब आपको नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज बूस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे में थोड़ा सा आना है। यहाँ पे आपको ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा दिख रहा होगा, जहाँ पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके मोबाइल में ऑन होगा तभी जो आपको डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सैमसंग के फ़ोन में। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन है तब आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके ऑफ कर देना। उसके बाद आपको गेम के अंदर कभी भी डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका रियलमी या ओप्पो या किसी और कंपनी का फोन है, अगर आपको नहीं पता कैसे आप लोग इस डेली अपडेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके वीडियो को देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।